हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नन्ही फूड। आज की हमारी रेसिपी है पोहा। पोहा कैसे बनाएं? फ्रेंड्स, इसे बनाना बहुत ही आसान है। इसे बनाने के लिए हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए पोहा, ऑयल, जीरा, ऑनियन, टोमेटो, लेमन, टर्मरिक पाउडर, साल्ट और ग्रीन चिली। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम पैन में ऑयल डालेंगे और उसे हल्का गर्म करेंगे। हल्का गर्म होने के बाद हम उसमें एक चम्मच जीरा डालेंगे और प्याज डालेंगे। प्याज को हम हल्का ब्राउन करेंगे। जब हमारा प्याज हल्का ब्राउन हो जाएगा तब हम उसमें ग्राउंड नट्स डालेंगे और उसको अच्छी तरह से गर्म करेंगे। जब हमारे ग्राउंड नट्स हल्के से फ्राई हो जाएंगे तब हम इसमें ग्रीन चिली डालेंगे। उसके बाद हम इसमें टमाटर डालेंगे। और इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। इसके बाद हम इसमें आधा चम्मच टर्मरिक पाउडर डालेंगे और नमक डालेंगे स्वाद अनुसार। अब हम इसको अच्छी तरह से मिला देंगे। अब हम एक बर्तन में पानी ले लेंगे और उसमें हम पोहा भिगाएंगे। मगर ध्यान रहे, पोहा हमें ज़्यादा देर पानी में नहीं भिगोना है। इसे सिर्फ भिगोएंगे और निकाल के हम पैन में डालेंगे, जैसा कि वीडियो में दिखाया है। इसे पैन में डालने के बाद अब हम इसे अच्छी तरह से इसमें मिला देंगे। इसके बाद हम इसमें नींबू का रस डालेंगे ताकि ये थोड़ा सा खट्टा हो जाए और इसमें खट्टे का थोड़ा सा स्वाद आ जाए। बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। और इसके बाद हम इसे फिर से मिला देंगे। फ्रेंड्स, हमारा पोहा बनकर तैयार है। अब आप इसे हॉट सर्व कर सकते हैं। फ्रेंड्स, हम आशा करते हैं कि आपको हमारी रेसिपी पसंद आएगी। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। For more recipes, please like and subscribe my channel Nandini Food. Thank you.